हाय फ्रेंड्स, मणिमेकर में आपका बड़े दिल से स्वागत है। आज हम फिर से बात करने वाले हैं इंडिया मार्ट इंटरमेस के लेटेस्ट टारगेट के बारे में, जो 9400 दिया हुआ है। मैं बहुत पहले से ही बता रहा हूँ सब कुछ सर्वे करने के बाद। दोस्तों, अभी मोतीलाल ओसवाल की तरफ से भी परसों आ गया था कि 9320। मैं इससे भी बहुत पहले, मैं आपका हो गया 15 दिन पहले से ही बता रहा हूँ, इसका क्वार्टर फोर रिजल्ट आने से पहले मेरा पिछला वीडियो जाके देख सकते हो, 9400 दिया हुआ था। क्योंकि 9500 में बहुत सारे लोग बाई करके बैठे हुए, तो ये पूरा डायरेक्ट ऑपरेटर का गेम है जो नीचे लेके आ रहे हैं। क्योंकि मैं दिखा रहा हूँ इस वीडियो में, जैसे कि इसने अपलोड कर दिया है, 63% एक्सपर्ट अभी भी बुलिश है, बाइंग के लिए राय दे रहा है। और बेस्ट टाइम है स्विंग ट्रेडर जो है बाई करने के लिए, एंट्री लेने के लिए बेस्ट टाइम है। क्योंकि मैं आज देख रहा था दोस्तों, 7200 को इसने सल्यूट किया है, 7200 का लेवल इसने तोड़ा नहीं है, तो वो एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। तो वो जोन मतलब प्लस माइनस 50 आप पकड़ सकते हो, तो ये बहुत स्ट्रांग पॉइंट है दोस्तों। यहाँ से बाउंस बैक का चांसेस है और मई लास्ट तक आपका 9400 टारगेट हिट होता देखेगा। क्यों हिट होता देखेगा वो मैं आने वाले टाइम पे बता रहा हूँ। देखो आप, इंडिया मार्ट इंटरमेस कंसोलिडेटेड मार्च 2021 नेट सेल्स ₹179 करोड़, आप ईयर ऑन ईयर 5.6%, ये बहुत बड़ी बात होता है, बहुत बड़ा रिजल्ट होता है। देखो, नेट सेल है 179 करोड़ का इन मार्च 2021, और आप हुआ है 170 करोड़ इन मार्च। 170 करोड़ इन मार्च, मार्च में ही आपका 170 करोड़ का प्रॉफिट हो गया यार। इंडिया मार्ट शेयर क्लोज एट, तो आप देखो 6 मंथ में 241 ओवर लास्ट 12 मंथ, तो ये बहुत बड़ी बात होता है कि 271% का आपका रिटर्न दे चुका है ऑलरेडी ये कंपनी। इतना स्ट्रांग फंडामेंटल, इतना स्ट्रांग मैनेजमेंट के हाथ में है, इतना इतना डाइवर्सिफाइड बिजनेस है और ग्लोबली ओरिएंटेड बिजनेस है। अभी देखो BQ ब्लू स्पेशल रिसलिटी रिसर्च करके दिया हुआ है कि हाँ, इंडिया मार्ट इंटरमर्स में आप इंटर कर सकते हो, और लॉन्ग टर्म के लिए, स्विंग ट्रेडर के लिए, शॉर्ट टर्म तीनों के लिए बेस्ट है। कंसोलिडेट जितना हो आप हावी होने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ से आप ब्रेकआउट के लिए पूरा तैयारी है। जैसे कि देख सकते हो ROC 39%, ROE 29% है। और अभी देखो 50 डेज के DMA को इसने जब तक लिस्टिंग हुआ है तब तक टच नहीं किया। अब ना कि उतना ज़्यादा आपका इफेक्ट है और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लॉकडाउन है, फिर भी आपका नीचे आ रहा है। लॉकडाउन में ये स्टॉक ऊपर जाता है, नीचे नहीं आता है दोस्तों, ये सबसे बड़ी एडवांटेज है स्टॉक का। ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री कंपनी है। अभी देखो सेल्स, देखो 174 करोड़ था दिसंबर 2020 में, अब मार्च 2021 में 180 करोड़ हुआ। एक्सपेंसेस देखो 10 करोड़ बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अभी देखो एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कितना ज़्यादा गैप है, कितना ज़्यादा आपका रिटर्न है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो 167 करोड़ से लेके 361 करोड़ हो गए। तो ऑपरेटिंग बिफोर टैक्स देखो, डिप्रेशन नहीं हुआ, बिफोर टैक्स में 389 करोड़ का। ठीक है, टैक्स देखो कितना कम दिया है, टैक्स कम होना मतलब है कि बूम आने वाला है। यही सब देख के जो है एक दिक्कत ब्रोकेज हाउस अपना फोरकास्टिंग करते हैं। CAGR 213%, किसी बहुत सारे कम कंपनी में ऐसा CAGR रिटर्न देता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, स्विंग ट्रेडर जो भी है, ये बहुत अच्छा न्यूज़ है आपके लिए कि आपको एक मौका मिला है एंट्री लेने का। आप एंट्री लीजिए अपने अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके, और ये बेस्ट है। और इंटैक्ट है प्रोमोटर होल्डिंग।